स्वरचित श्लोक से ही मंगलाचरण कर रहा हूँ। आप जिस छंद में कहें मोदी जी, उसी छंद में श्लोक तत्काल में भरा हूँ। मैं आपका मित्र हूँ, ये भगवान ने सामर्थ्य दिया, एक घंटे में आज भी मैं 100 श्लोक बना पाता हूँ, एक घंटे में। मंदाकिनी पय पूर सिक्त पादाम बुझाय च नमः सीताभिरामाय चित्रकूट विहारिणे श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे दो मित्र हैं, सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी, ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण मेरे अभिन्न मित्र, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री तो मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें मित्र ही मानता हूँ और मित्र ही मानता रहूँगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयनय। और मेरे स्नेह भाजन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू सिंह भाई पटेल और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, समागत सभी माताओं बहनों मित्रों बालकों और बालिकाओं और बालकों, आज श्री तुलसीपुर चित्रकूट में मैं सभी का स्वागत क्या करूं, मैं सभी का मंगला शासन करता हूं। आचार्य स्वागत नहीं करता, वो मंगला शासन करता है। मैं सबका मंगला शासन कर रहा हूं। आज मेरे हर्ष की सीमा इसलिए नहीं है कि बंद नेत्रों से जीवन के 2 महीने बाद ही नेत्रों को खोकर मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। एक संस्मरण छोटा सा सुनाकर, मोदी जी 4 साल का मैं था तब, जब मेरी चिकित्सा मुंबई में चल रही थी तो डॉक्टरों ने कहा नेत्र अब नहीं ठीक हो सकेंगे। उसी समय मुरारजी देसाई के भतीजे थे अमोल जी देसाई, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गुजराती जानते थे। उन्होंने कहा मुझसे मेरा पहला नाम लेकर, गिरिधर उदास मत हो, तुमको 2 नेत्र मिल जाएंगे। कौन से? तो उन्होंने गुजराती का एक गीत पढ़ा, गीता रामायण मारी अंतरनी आँखों प्रभु ये दीधी छे मैंने उड़वानी पाखो। मैंने यही मूल मंत्र जीवन में उतारा और जीवन के 5वें वर्ष में पूरी गीता कंठस्थ कर ली 15 दिन में, और जीवन के 7वें वर्ष में मैंने संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। 2 आंखें मुझे मिल गई मित्र, कभी भी मैंने ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया, कहीं भी कभी भी मैंने ब्लाइंड छात्रवृत्ति भी नहीं ली।
क्योंकि मैं अपने को दृष्टि बाधित मानता ही नहीं। संतत्व की जहां तक परिभाषा है, आपको जानकर अच्छा लगेगा, संत वो जगत गुरु वो होता है तो तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखता है, गीता जी, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। आपके स्नेह से मित्र, मैंने 1998 में ही तीनों पर भाष्य लिख लिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका लोकार्पण किया था। मैं जगत गुरुत्व की पूर्ण योग्यता मैंने प्राप्त की और आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त भारत में कोई भी ऐसा जगत गुरु नहीं है जिसने तीनों पर भाष्य लिखा हो। यह आपको बताकर मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपनी बिरुदावली नहीं कर रहा हूं, पर आपको लगना चाहिए कि बंद आंखों से भी कितना काम किया जा सकता है। मित्र, मैंने अब तक 230 पुस्तकें लिखी, जिन तीन पुस्तकों का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, यद्यपि एक पुस्तक और थी पर मैंने पीएमओ को सूचित नहीं किया था उसका नहीं, जिन तीन पुस्तकों का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं मित्राज, उनमें से प्रथम पुस्तक है पाणिनि अष्टाध्यायी पर वृत्तित्रयी। पाणिनि अष्टाध्यायी का मूल केवल 25 पृष्ठों में है, उस पर मैंने तीन वृत्तियां लिखी, उसका कलेवर है 9000 पृष्ठ। और मित्र सोचो, मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। मित्र, दूसरी पुस्तक मेरी है श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। राष्ट्रलीला तो सभी जानते हैं, भगवान की राष्ट्रलीला कोई जानता नहीं। एक अफवाह लोगों ने फैलाई कि श्री कृष्ण के परिवार ने मदिरा पान किया, उच्छृंखल हो गया। सारे विषयों को मैंने खंडन लिखा उसमें, जिसका लोकार्पण आप करने जा रहे हैं, श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। और तृतीय ग्रंथ है मेरा जो आज के समय में सबसे बड़ा संस्कृत का महाकाव्य है, उसका नाम है श्री रामानंदाचार्य चरितम। 27 सर्गों का यह महाकाव्य है, उसकी हिंदी भी है। इन तीन ग्रंथों का आज आप लोकार्पण करेंगे, यही मेरा सारस्वत सम्मान है और सबसे बड़ा सम्मान है। मेरी कल्पना में या मेरी भावना में यह है कि मेरे सामने दो लोग हों, भगवान राम और भारत माता, तो मोदी जी पहले मैं भारत माता को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान को। एक वाक्य और बोलकर मैं दूंगा समय, मैं देख रहा हूं समय हो रहा है। भारत क्या है लोग समझ नहीं पाए। भारत शब्द तीन शब्दों को मिलकर बना है, भ, आ और रत। भ माने भगवान, आ माने आदर और र माने रत, प्रेम। जिस देश पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी है, उसको कहते हैं भारत। भरतानाम भक्ति ही भारतम, तीन भरतों के भजन भक्ति का जो आश्रय है, ऋषभ पुत्र भरत, शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत और दशरथ कैकेयी पुत्र भरत, इन तीनों का जहां आदर है, उस देश का नाम है भारत। उसी भारत को हम 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी 5वीं अर्थव्यवस्था तो बन गया, हम बहुत जल्दी 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को देखने जा रहे हैं और यह श्रेय मेरे मित्र को जाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। समय नहीं है, बोलता बहुत पर समय नहीं है।
आज आपको प्राप्त कर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को और सभी समागतों को प्राप्त कर मैं प्रसन्न हूँ। विद्वान का सब कुछ होता है, उसकी सरस्वती का सम्मान। मैं मुझे लोग कहा करते हैं आपके पास क्या है, मैंने कहा मेरे पास और पैसा धन नहीं है, धन तो क्षणभंगुर होता है और लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं, पर मित्र मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, मैं केवल शास्त्र में विश्वास करता हूँ। अभी मोदी जी ने कहा वजन घटाइए, मैंने कहा क्या करूँ, प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करता हूँ, फिर लिखता पढ़ता, मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं और कुछ करूं। अभी रामचरितमानस के 9 खंड मुझे लिखने हैं, 9 खंड में रामचरितमानस मुझे लिखने, इसकी व्याख्या लिखनी है। और मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहाँ नहीं कहूँगा, आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। इतना कहकर मैं यह अमाइक माइक फिर संचालक को दे रहा हूं। जय श्री राम, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। अनेके धन्यवाद आचार्य चरणा। अब मैं अत्यंत सम्मान के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनती करता हूँ, कृपया पधारें और आत्मीय उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। जो दुनिया के अतिथि नहीं हो सकता, वो जिन्होंने करके दिखाया, महाराज जी ने विस्तार से बताया, ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल जी और आदरणीय महाराज जी, आत्मनुमोक्षार्थ जगत हिताय च, जिनके जीवन का लक्ष्य भौतिक दृष्टि नहीं है, लौकिक दृष्टि नहीं है, लेकिन दिव्य दृष्टि और प्रज्ञा चक्षु जिनके पास हैं, और यहाँ उपस्थित सभी संतगण, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर, आज वही वातावरण यहाँ है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना कि हम अत्यंत हर्षित हैं, हम अत्यंत प्रसन्न हैं, महाराज जी जो सोचते हैं वो हो रहा है, और बहुत जल्दी भारतीय संस्कृति जीवन मूल्य परंपराओं के अनुरूप राज्य और समाज जीवन की रचना कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। उनका मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर हृदय से स्वागत, अभिनंदन, बोलिए भारत माता की। से कह रहा हूं यह कार्यक्रम मेरे उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने निश्चित किया था, अतिथियों की व्यवस्था के कारण उन्होंने कहा गुरुजी आप प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कीजिए, मैं अतिथियों की व्यवस्था करता हूं, उसको भी सब लोग आशीर्वाद दीजिए। अब मैं अत्यारे हूं मध्य प्रदेश राज्यपाल मंगू सिंह भाई पटेल ने आहूत करू छू संक्षेप में पोतानी बिचारा व्यक्त हो गया थे अत्यारे हूं बोलो अत्यारे हूं मारा अत्यंत स्नेहिल मित्र भारत का प्रधानमंत्री, भारत ने विकसित भारत मान बनाओ वाटे कृत संकल्प, एकमात्र राष्ट्रभक्त माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने अमाइक माइक आपूछो बोला मटे मैं आमंत्रित करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को। हाँ, पर पहले पुस्तकों का लोकार्पण हो जाए, फिर प्रधानमंत्री का वक्तव्य होगा। अष्टाध्यायी पर ये पुस्तक केवल 25 पृष्ठ की पुस्तक, जो 9
9000 पृष्ठों में है। इदानीम लोकार्पणम कुरुते प्रधानमंत्री मदीयानाम त्रयाणाम पुस्तकानाम भद्रम कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रम पशेमाक्षभिर्दजत्रा। हाँ आप करिए, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। भद्रम कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रम पशेमाक्षभिर्दजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्भिषे महिदेवहितं जदाय। ए उणरिद्रिक एवं अयो छैवर्त लणियम गणनम झभे घरदस जब गर्दस खप छठे तृतो कपे सत्सर हल। पुस्तकानाम लोकार्पणम जातम इदानीम स्रोत कामा भजम। जी अब आपका वक्तव्य। नमो राघवाय, नमो राघवाय। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित पूजनीय जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य जी यहाँ पधारे हुए, सभी तपस्वी वरिष्ठ संतगण, ऋषिगण, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं चित्रकूट की परम पावन भूमि को पुनः प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है आज पूरे दिन मुझे अलग अलग मंदिरों में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिला और संतों का आशीर्वाद भी मिला है। विशेषकर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जो स्नेह मुझे मिलता है वो अभिभूत कर देता है। सभी श्रद्धेय संतगण, मुझे खुशी है कि आज इस पवित्र स्थान पर मुझे जगतगुरु जी की पुस्तकों के विमोचन का अवसर भी मिला है। अष्टाध्यायी भाष्य रामानंदाचार्य चरितम और भगवान कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये सभी ग्रंथ भारत की महान ज्ञान परंपरा को और समृद्ध करेंगे। मैं इन पुस्तकों को जगतगुरु जी के आशीर्वाद का एक और स्वरूप मानता हूं। आप सभी को मैं इन पुस्तकों के विमोचन पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, अष्टाध्यायी भारत के भाषा विज्ञान का, भारत की बौद्धिकता का और हमारी शोध संस्कृति का हजारों साल पुराना ग्रंथ है। कैसे एक एक सूत्र में व्यापक व्याकरण को समेटा जा सकता है, कैसे भाषा को संस्कृत विज्ञान में बदला जा सकता है, महर्षि पाणिनि की हजारों वर्ष पुरानी रचना इसका प्रमाण है। आप देखेंगे दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, नई भाषाओं ने
पुरानी भाषाओं की जगह ले ली, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण, उतनी ही अटल है। संस्कृत समय के साथ परिष्कृत तो हुई, लेकिन प्रदूषित नहीं हुई। इसका कारण संस्कृत का परिपक्व व्याकरण विज्ञान है। केवल 14 माहेश्वर सूत्रों पर टिकी यह भाषा हजारों वर्षों से शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विधाओं की जननी रही है। संस्कृत भाषा में ही ऋषियों के द्वारा वेद की ऋचाएं प्रकट हुई है, इसी भाषा में पतंजलि के द्वारा योग का विज्ञान प्रकट हुआ है, इसी भाषा में धन्वंतरी और चरक जैसे मनुष्यों ने आयुर्वेद का सार लिखा है, इसी भाषा में कृषि पराशर जैसे ग्रंथों ने कृषि को श्रम के साथ साथ शोध से जोड़ने का काम किया है, इसी भाषा में हमें भारत भूमि के द्वारा नाट्य शास्त्र और संगीत शास्त्र का उपहार मिला है, इसी भाषा में कालिदास जैसे विद्वानों ने साहित्य के सामर्थ्य से विश्व को हैरान किया है, और इसी भाषा में अंतरिक्ष विज्ञान, धनुर्वेद और युद्ध कला के ग्रंथ भी लिखे गए हैं। और ये तो मैंने केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आप एक राष्ट्र के तौर पर भारत के विकास का जो भी पक्ष देखेंगे उसमें आपको संस्कृत के योगदान के दर्शन होंगे। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पर रिसर्च होती है। अभी हमने ये भी देखा है कि कैसे भारत को जानने के लिए लिथुआनिया देश की राजदूत ने भी संस्कृत भाषा सीखी। यानी संस्कृत का प्रसार पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। साथियों, गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। हम आजाद हुए, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेख मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन हजारों वर्षों से मौजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते। दूसरे देश के लोग मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी है। बीते 9 वर्षों में हमने संस्कृत के प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। आधुनिक संदर्भ में अष्टाध्यायी भाष्य जैसे ग्रंथ इन प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मेरे परिवारजनों, रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं।
भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थानत्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती, ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साथियों, स्वामी जी जितना धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, उतना ही समाज और राष्ट्र के लिए भी मुखर रहते हैं। मैंने जब स्वच्छ भारत अभियान के नौ रत्नों में आपको नामित किया था, तो वो जिम्मेदारी भी आपने उतनी ही निष्ठा से उठाई थी। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे, वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। माँ गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी दो दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। सभी संतगण आजादी के 75 वर्ष के आजादी के 100 वर्ष के सबसे अहम कालखंड को, यानी 25 साल देश जो अब से अमृत काल के रूप में देख रहा है, इस अमृत काल में देश विकास और अपनी विरासत को साथ लेकर चल रहा है। हम अपने तीर्थों के विकास को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। चित्रकूट तो वो स्थान है जहां आध्यात्मिक आभा भी है और प्राकृतिक सौंदर्य भी है। 45,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, ऐसे प्रयास इस क्षेत्र में नई संभावनाएं बनाएंगे। मेरी कामना और प्रयास है चित्रकूट विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। एक बार फिर पूज्य जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद हम सबको प्रेरणा दे, शक्ति दे, और उनका जो ज्ञान का प्रसाद है वो हमें निरंतर मार्गदर्शन करता रहे। इसी भावना को प्रकट करते हुए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय सियाराम। ओम। हम लोग 1989 में, बल्कि 88 में जब राजीव गांधी थे, तो उन्होंने कहा कि हम संतगण उन्हें आशीर्वाद देंगे और वो हमसे आशीर्वाद लेंगे। उसी समय मैंने कह दिया था कि किलाधीश जी नोट करके रखिए, हम राम जन्मभूमि किसी से भीख में नहीं मांगने आए हैं। राम जन्मभूमि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म सिद्ध अधिकार है और धर्म सिद्ध अधिकार है। मैंने कहा था ले जाइए, आप कह दीजिए उनसे
उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास आशीर्वाद की संपत्ति नहीं है और ऐसे लोगों को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। यदि हमारी प्रतिभा है तो कोई कितना भी विरोध करता रहे, राम जन्मभूमि हमें मिलेगी। देख लीजिएगा आप, और वही हुआ, हमने ढांचा ढहाया, राम जी ने अपने अपमान का बदला ले लिया, मुकदमे चले, मैं स्वयं जेल गया, डंडे खाए, नजरबंद रहे, और जब साक्ष्य देने का प्रकरण आया तो सभी संतों ने कहा हमारे ठाकुर जी मना कर रहे हैं। मैंने कह दिया सुनिए, मेरा स्वभाव बहुत विचित्र आदमी है, पहले सुनीता बहन मुझे कहा करती थी कि भयंकर वैयाकरण है, अब तो नहीं कहती है, हूं मैं निश्चित रूप से भयंकर वैयाकरण बिल्कुल स्वीकारता हूं। मैंने कहा सुनो, सबके ठाकुर जी मना करें पर यदि हमारे ठाकुर जी मना करेंगे तो भी मैं न्यायालय में जाऊंगा। क्यों? मैंने कहा इसलिए, भावना ही सब कुछ होती है। देखिए भगवान भाव अवश्य हैं। मैंने कहा था ब्रजेश जी कि मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं, देखिए मेरा परिचय जान लेना चाहिए, मेरी यही कुंडली है। एक बार किसी ने कहा था कि आपकी कुंडली मुझे बनानी है शंकराचार्य जी, मैंने कहा कि यार तीन जन्म की कुंडली तो मैं जानता हूं, चौथे युग की तुम बनाना चाहो बना दो, त्रेता द्वापर और कलयुग की कुंडली मैं जानता हूं अपनी, सतयुग की बनाना हो तो बना दो। तो अरे, मैंने कहा मेरी कुंडली नोट कर लो, मैं कौन था त्रेता में, द्वापर में कौन, आज कौन। त्रेता में बानर भय, धीरेन्द्र जी हम त्रेता के बानर हैं। त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, और कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमाल। हम तो साधु हैं भाई साहब, हम त्रेता के बानर हैं, चकाचक फल खाया राम जी के साथ, द्वापर में ग्वाल बने हम, और कलयुग में हम साधु बन गए। मुझे अपने साधुत्व पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माय साधुत्व। क्या बात करते हो, मुझे गर्व है अपने साधुत्व पर। तो मैं जो कह रहा हूं, मैंने लक्ष्मण किलाधी जी से कह दिया कि रहने दीजिए महाराज, मुझे उनको आशीर्वाद नहीं देना है, ये लोग आशीर्वाद के पात्र नहीं है, न थे नहे न रहेंगे। आशीर्वाद जिनको लेना था वो ले लिए, और जिनको लेना हो ले रहे हैं, लेते रहेंगे। हम तो खुल कर कह रहे हैं, उन्हीं का हम समर्थन करेंगे जिनको सीताराम जी प्रिय होंगे। और आप लोगों से भी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, ताकह वोट कबहु नहीं देही। एक राम विरोधी के यहां अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया गया, तो मैंने इनको फोन पर डाटा में कहा, ये क्या तुमने कर दिया। अरे सिद्धांत तो सिद्धांत हुआ करते हैं, सिद्धांत सिद्धांत हुआ करते हैं,
समझौते नहीं किए जाते। धीरेंद्र जी आपको सुनकर रुलाई आएगी, इन लोगों ने कितना मुझ पर अत्याचार किया, जानते थे कि ये मुखर हैं। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में मेरी कथा चल रही थी, सोचिए, इन्होंने सोचा कि जगत गुरु जी वहीं होंगे, पांडाल में सोते होंगे। पांडाल में आग लगा दी रात में, वो तो कहो कि तुम्हारे गुरु भाई के भवन में मैं विश्राम कर रहा था। पांडाल जल गया, मेरा चांदी का सिंहासन जल गया। मैंने कहा कुछ भी करो, पर मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए। यद्यपि मैं वर्तमान में राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में मैं नहीं हूं, मैं चाहता भी नहीं, वे लोग ट्रस्टी हैं, अब नाम नहीं बताऊंगा, जो आंदोलन में कभी नहीं रहे, पर मुझे पद नहीं चाहिए। ले जाओ अपना पद, बने रहो ट्रस्टी, मुझको तो राम पद मिल गया, तुम क्या करोगे देकर मुझे।